कोरोना टीकाकरण में दो ऐसी खबरें आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि वैक्सीनेशन को मजाक क्यों बनाया जा रहा है। एक खबर बंगाल से आई और दूसरी मध्य प्रदेश से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की नेता ने ही वहां एक महिला को टीका लगा दिया। सीतारामपुर में वैक्सीन देने के लिए कैंप लगा था, वहां डॉक्टर भी थे, नर्स भी थी, लेकिन आसनसोल की पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने एक महिला को खुद ही टीका लगा दिया। इसके बाद हंगामा हुआ तो वो कहने लगी कि सिरिंज पकड़ने का वो सिर्फ नाटक कर रही थी, जबकि मध्य प्रदेश में तो अजबी खेल हो रहा है। दर्जनों लोगों को वैक्सीन तो लग गई लेकिन उनके पास इसका अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं। कोविन ऐप पर अगर वो अपना नंबर डालते हैं तो वहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों के वैक्सीन लगने के सर्टिफिकेट दिख रहे हैं। अब लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें और कैसे साबित करें कि उन्हें वैक्सीन लग गई है। भोपाल का ये ऐशबाग इलाका है। यहाँ के मोटरसाइकिल मैकेनिक नासिर अली ने वैक्सीन के महाअभियान वाले दिन 21 जून को कोविड टीका लगाया, मगर बाद में जब अपने नंबर से कोविन ऐप पर लॉगिन किया तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा कस्बे के रामकिशन वर्मा का नाम आया। मैजिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मैजिक चलाई गई थी, उसमें वैक्सीनेशन करवाई गई थी, तो उसके वजह से अभी तक मेरा मैसेज नहीं आया है। उसमें जब मैंने इसको कोविड-19 का WW पे उस पर सर्च किया है एप्लीकेशन पे, तो उस पर मुझे ये निकल के आ रहा है मेरे नंबर पे। मैंने अपने नंबर डाल के जब उस पर करा OTP डाली, नहीं मेरा नाम भी नहीं है और ये मेरा आधार भी नहीं है, लेकिन मेरा जब नंबर में अपना डाल के मेंशन कर रहा हूँ तो उस पर OTP आने के बाद मेरे पास ये आया। नासिर बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लोग सबको टीका लगा रहे थे, दो हफ्ते बाद भी उनको कोई मैसेज नहीं आया। तुमको वैक्सीन लगी थी? जी सर। SMS वगैरह कुछ आया है? कुछ भी नहीं आया सर। फोटो है तुम्हारे पास? जी फोटो है। उस दिन वैक्सीन लगवाई थी मैंने मैजिक में, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया मेरा पास। अब उसका कैसा अंदाजा करेंगे वैक्सीन लगी है कि क्या लगाया? जी मुझको भी लगी, मैसेज अभी तक कुछ भी नहीं आया, लगा दियो मैं, फोटो है मेरे पास। MP में महाअभियान के पहले दिन 21 जून को 17,42,000, 23 जून को 11,43,000, 24 जून को 7,05,000 और 26 जून को 9,64,000 लोगों को टीके लगे थे। इसके बाद अब 1 जुलाई को 9,00,000 टीके लगाए गए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 2.5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, मगर टीका लगवाने के बाद होने वाली ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां परेशान कर रही हैं। ये है दयाराम पटवा। जनता कॉलोनी में रहने वाले पटवा और उनकी पत्नी कल्पना को 21 तारीख को भी टीका लगा और टीका प्रमाण पत्र की जगह ऐसी मतदाता पर्ची जैसा पर्चा थमा दिया जिसमें स्थानीय विधायक और BJP के दूसरे नेताओं के फोटो लगे हैं। वैक्सीनेशन की पर्ची है, वो हमें उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद पर्ची दी थी। क्या कहा? कहा था कि ये जो है बिजनेस, वैसे तो उन्होंने 28 दिन का बबोला था, ये तारीख दी थी उन्होंने 9/4 को लग जाएगी। पर मगर फिर कुछ इसके बाद कुछ ऐसे में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आया क्या? नहीं आया, कुछ नहीं आया। इसी मोहल्ले में रहते हैं हरीश नेमा, इन्होंने भी टीका लगवाया है मगर कोविन ऐप में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहला डोज तो लगवा चुका हूँ लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, और मोबाइल नंबर आधार कार्ड सब मैं दे चुका हूँ सेंटर्स पे, लेकिन उसका कोई अभी तक मैसेज मेरे को नहीं आया है। ऐसे मेरे को ऑफिसेज में देना है, शॉप्स में देना है, सर्टिफिकेट्स चाहिए, यदि सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो सेकेंड डोज कैसे लगेगा फिर? उधर सरकार टीकाकरण की कमियों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाह रही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सब अफवाह है जो लोग फैला रहे हैं, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले कुछ दिनों बाद मिल जाएंगे। कुछ लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं है। ये सुव्यवस्थित सुचारू रूप से प्रोग्राम चल रहा है, पर उसके बाद भी यदि कहीं कोई इस तरह की त्रुटि सामने आएगी तो उसको दिखवा के ठीक किया जाएगा। टीकाकरण में हो रही है बड़ी गफलत की वजह है ये शब्द, यानी कि महाअभियान। ऐसे बड़े बड़े अभियानों के नाम पे जिस तरीके से आंकड़ेबाजी करके लोगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति सरकार और नेताओं में बढ़ गई है, उसी का खामियाजा भुगत रही है आम जनता। इस अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि कई दिनों के पुराने आंकड़े मिला के एक दिन में समाहित किए जाते हैं जिससे एक बड़ा आंकड़ा दिखे और सरकार की वाहवाही हो। यही वजह है कि जनता को कई दिनों तक SMS नहीं मिल पाता और उसको मालूम नहीं है कि हमको कौन सा वैक्सीन लगा है और अगला वैक्सीन कब लगेगा, और ये बड़ी गड़बड़ प्रदेश के कई शहरों में सामने आने लगी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, ABP News भोपाल।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।